गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग नाइन्थ क्लास हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म। कोशिका के संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीवद्रव्य कहते हैं, ठीक है। जीवद्रव्य की खोज हुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। जीवधारियों में होने वाली जैविक क्रियाएँ जीवद्रव्य द्वारा संपन्न होती हैं, इसलिए थॉमस हॉक्सलैंड ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा, ठीक है। जीव द्रव्य के भौतिक गुण। जीव द्रव्य एक रंगहीन पारदर्शक अर्ध तरल एवं जेली के समान कोलाइडी पदार्थ है, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर से देखिए, यह बाह्य उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होता है। उद्दीपन करने पर जीव द्रव्य सिकुड़ने लगता है, उद्दीपन मतलब एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन उद्दीपन को हटाते ही वह फिर फैलने लगता है। थर्ड, इसमें बहुत सी छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं, रिक्तियां एवं विभिन्न आकार की रचनाएं पाई जाती हैं। फोर्थ, जीव द्रव्य वास्तविक विलयन निलंबन एवं जटिल कोलाइडी विलयन का गुण रखता है। जीव द्रव्य के कोलाइडी गुण के कारण इसमें लचीलापन एवं सुघट्यता, संकुचन एवं प्रसरण के गुण होते हैं। जीव द्रव्य सॉल एवं जेल दो अवस्थाओं में पाया जाता है, ये दोनों एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। सॉल के अंदर निलंबित कण एवं कण एक दूसरे से टकराकर इधर उधर घूमते हैं। कणों की यह गति ब्राउनी गति कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से जीव द्रव्य का रासायनिक संरचना। जीव द्रव्य एक जटिल मिश्रण है जिसमें लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त जीव द्रव्य में अनेक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ भी घुले हुए होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में लगभग 90% जल पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसाएं एवं प्रोटीन पाए जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट भी इसी में पाए जाते हैं, फैट्स भी इसी में पाए जाते हैं और प्रोटीन्स भी। जैसे जैसे कोशिका वृद्धि करती है, मतलब सेल बड़ी होती है, इसके अंदर अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएँ बन जाती हैं, अनेक छोटी छोटी वैक्यूल्स बनती हैं। जो इस तरीके से समझ लीजिएगा आप, जैसे हम आटे को गूंध करके थोड़े समय तक रखते हैं, है ना, और वो जब थोड़े समय के बाद देखते हैं तो वो फूल करके बड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स बन गए। जैसे कि ब्रेड होती है, हम उसे जब कटी हुई हमारे पास आती है तो उसमें जाली नज़र आती है, तो जब वो कटने से पहले पूरी कंप्लीट थी तो वो छोटी से फूल करके बड़ी हो गई थी, और जब उसे काटने के बाद देखा तो उसके अंदर जाली बन गई, मतलब वो वैक्यूल्स बन गई, है ना। जो इसी प्रकार इसका स्ट्रक्चर है, जो परिपक्व कोशिका के अंदर आपस में मिलकर मध्य में एक बड़ी रिक्तिका के रूप में ग्रहण कर लेती हैं। इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य का एक महीन स्तर होता है जिसे रिक्तिका झिल्ली कहते हैं, वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका द्रव्य को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक्टोप्लाज्म कोशिका द्रव्य का बाहरी भाग जो कोशिका भित्ति के संपर्क में होता है एक्टोप्लाज्म कहलाता है। टोनोप्लास्ट रिक्तिका अथवा रसधानी के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है। यह संरचना में प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। इसको रिक्तिका झिल्ली अथवा टोनोप्लास्ट कहते हैं। मीजोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म एवं टोनोप्लाज्म के बीच में कोशिका द्रव्य को मीजोप्लाज्म कहते हैं। इनमें कोशिका के सभी कोशिका अंग एवं निष्क्रिय पड़े रहते हैं। पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं निम्नलिखित सजीव कोशिका अंग पाए जाते हैं। मीजोप्लाज्म एक्टोप्लास्ट एवं टोनोप्लास्ट के बीच के कोशिका द्रव्य को मीजोप्लाज्म कहते हैं। इसमें कोशिका के सभी कोशिका अंग एवं निष्क्रिय पदार्थ पड़े रहते हैं। पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित सजीव कोशिका अंग पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारी अलग की लाइन हो गई, इसका ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं, वो हमारा टॉपिक पूरा हो गया, ओके।
अब हम अगली क्लास में जो स्टडी करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा लवक। ठीक है, ठीक है। जो हमारा आज का टॉपिक था क्या था, कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य, जीव द्रव्य एंड कोशिका द्रव्य, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा शानदार तरीके से। और नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो है लवक। ओके, लवक। थैंक यू।